महानगर के जटेपुर स्थित प्राथमिक पाठशाला से झुग्गी झोपड़ी हटाकर पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया। कांग्रेसियों का कहना है कि जटेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय से लोग झुग्गी झोपड़ी बनवाकर निवास कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्रशासन को जल्द ही विद्यालय को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चलाने में मदद करना चाहिए। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान कांग्रेस नेता मार्कंडेय प्रसाद सिंह, प्रेमलता चतुर्वेदी, नीलम वर्मा, मंजू तिवारी, राजीव कुमार सिंह, प्रदीप कुमार राव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस के मार्कंडेय प्रसाद सिंह ने कहा, झोपड़ी हटाओ, झुग्गी झोपड़ी हटाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विद्यालय बचाओ, बेटी पढ़ाओ, विद्यालय बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल, आपके पास भी कई बार सूचना हम लोग दे चुके हैं, लेकिन आप दे रहे हैं हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सेवा में जिला होते हैं। सांतरा भाई, प्राथमिक विद्यालय से झुग्गी झोपड़ी हटवाकर पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से करवाने के संबंध में हर विधानसभा के विधायक डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के गृह जनपद शहर विधानसभा का मोहल्ला जटेपुर दक्षिणी गुरुद्वारा के सामने धर्मशाला बाजार में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक ही कैंपस में दो विद्यालय बालक कन्या पर गया तो वहाँ की जनता ने बताया कि विगत कई वर्षों से गुजराती बंजारे फेरी लगाकर सामान बेचने वालों ने प्लास्टिक की कनात व झोपड़ी डालकर विद्यालय के कमरों में अवैध कब्जा कर लिया है। डर के मारे पठन पाठन करने नहीं आ रहे हैं, वह शिक्षा से वंचित हो गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया दोनों विद्यालय की तत्काल जांच कराकर उक्त विद्यालय से गुजरात के कबाड़ियों को अवैध कब्जे से मुक्त चाहेंगे। इसको 3 जुलाई से स्कूल चलना है, इसके पहले कुछ होना स्वयं जांच करा लें। ठीक है, धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी के लोग जिलाधिकारी के पास धर्मशाला बाजार में गुरुद्वारा के सामने बेसिक विद्यालय बालक बालिकाओं का चलता है, उस विद्यालय में गुजरात के रहने वाले कबाड़ी जो शहर में सामान बेचते हैं विद्यालय के जमीन में कमरों में झुग्गी झोपड़ी वाले अवैध कब्जा कर लिए हैं। जो बच्चे नाम लिखाए थे इस समय पढ़ने नहीं आ रहे हैं। मजिस्ट्रेट से बात हुआ अभी आपके, क्या उन्होंने आपकी मांगों पर कहा? हम उनसे कहे कि देखिए आप झुग्गी झोपड़ी वाले के बारे में देख रहे हैं, हम ये चाहेंगे उसको तत्काल झुग्गी झोपड़ी हटवाइए और विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू कराइए जिससे वहाँ बच्चे पढ़ सकें। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है तो उसको हटाइए जिससे वहाँ के बच्चे पढ़ाई हो सके विद्यालय में और छात्रों को सुरक्षा की व्यवस्था करिए। वो झुग्गी झोपड़ी वाले लाठी डंडा गाली गलौज देते हैं वहाँ। हाँ, मांगों पर देखे कहे कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आश्वासन दिया। और ये मीडियम का परिसर जो है साइलेंट जोन में आता है, आप लोग मांग करने आए हैं और उस पर भी नारेबाजी कर रहे हैं तो साइलेंट तो क्या करना है इस पर आपका? हम झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए अभी तो ये है, हम लोग पता नहीं आगे कौन सा कार्यक्रम करेंगे। झुग्गी झोपड़ी हटना चाहिए, विद्यालय चलना चाहिए। अगर कांग्रेसी इसके लिए जेल भी जाएं तो लोग झोपड़ी को फूंक के भगा देंगे, हटा देंगे अगर प्रशासन नहीं हटाएगा तो। जो कार्रवाई करना हो करे प्रशासन, ठीक।